नमस्कार, मैं अन्नपूर्णा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। अवैध तमंचे से फायरिंग का वीडियो वायरल, आरोपी गिरफ्तार। रामपुर में दो युवकों द्वारा अवैध तमंचे से फायरिंग करते हुए एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो की पड़ताल की तो यह युवक कोतवाली शाहबाद का था। शाहबाद निवासी दो युवक रात के अंधेरे में अवैध तमंचे से फायरिंग करते नजर आए। इस मामले पर दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार किया। रामपुर कोतवाली शाहबाद का एक फायरिंग करते हुए युवकों वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो की पड़ताल की तो यह वीडियो शाहबाद के झंकार ज्वेलर्स की दुकान के सामने का था, जहां दो युवक बुलेट मोटरसाइकिल पर रात के अंधेरे में, जब सारा बाजार में सन्नाटा था और सभी दुकानें बंद थी, यह अवैध तमंचे से फायरिंग करते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं। ये दोनों युवक, एक नाम अर्जुन और दूसरे का नाम शेखर, जो कि शाहबाद के ही निवासी हैं। इन दोनों युवकों को शिव मंदिर के लक्की बाग में पुलिस ने गिरफ्तार किया और इन पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज किया। पेश रामपुर से मुजासिम खान की एक खास रिपोर्ट। उसमें वीडियो से शिनाख्त हो गई व्यक्ति, पुलिस ने मुकदमा लिख लिया, अभियुक्त गिरफ्तार हो गया है। शेष विवेचनात्मक कार्रवाई पूरा करके माननीय न्यायालय को रिपोर्ट कर। कब का वीडियो बताया जा रहा है सर? अब ये सारा विवेचना का विषय है कि वीडियो कहाँ बना, कब वायरल हुआ, किस नंबर से हुआ। ये मैंने बताया ना, ये लंबी प्रक्रिया होती है और जिसे मीडिया के लिए बताना, बहुत विवेचना डिस्क्लोज करना मीडिया के चैनल पे उचित। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं, सब्सक्राइब कीजिए।